जी टीचर। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very happy good morning to all my dear students. Welcome to your mathematics class of standard first. I am Miss Umaira. Bachcho, aap tamam ko poem, nazme sunna aur padhna pasand hai? Pasand hai na? Theek hai. To aaj मिस ने ना कुछ चेंज किए, हर बार मिस आपको कुछ तस्वीरें बताते थे और फिर हम लोग अपने उनवान को ढूंढते थे उसमें, राइट? आज हम पोयम पढ़ेंगे, नज़म, और उस नज़म में ही हमारे आज के सबक का उनवान छुपा हुआ है। तो आप लोग रेडी हो पोयम पढ़ने? ओके, चलिए मिस के साथ आपको पोयम पढ़नी है, ठीक है? सब रेडी हो जाएंगे। एवरी वीक हैज सेवन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे मंडे एंड ट्यूजडे डिड यू ब्रश योर टीथ टुडे वेंसडे एंड थर्सडे डिड यू वॉश योर फेस टुडे फ्राइडे एंड सैटरडे ईट योर मील्स एवरी डे वी कम अगेन टू संडे And then we go day by day. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday and Saturday, and then we come to Sunday. अच्छी लगी ना? तो सबक का उन्वान मिला? चलिए एक मरतबा और पढ़ते हैं अच्छे से। अब तो पता है मुझे, आप लोगों को जहन में आ रहा होगा, है ना? चलिए एक मरतबा और दोहराते हैं, ठीक है? एवरी वीक हैज सेवन डेज स्टार्टिंग फ्रॉम संडे मंडे एंड ट्यूजडे डिड यू ब्रश योर टीथ टुडे वेडनेसडे एंड थर्सडे डिड यू वॉश योर फेस टुडे फ्राइडे एंड सैटरडे ईट योर मील्स एवरी डे We come again to Sunday and then we go day by day. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday and Saturday and then we come to Sunday. क्या पढ़े अभी हमने इस पोयम में, इस नज़्म में कौन से नाम है और आपकी स्क्रीन पर भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, डेज ऑफ वीक। तो हमारा टॉपिक क्या होगा आज का, बोलिए? बिल्कुल सही। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न डेज ऑफ अ वीक फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 75 आपकी रियाजी की दर्सी किताब के सफा नंबर 75 से डेज ऑफ अ वीक हफ्ते के दिनों के नाम ये लेसन आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पता है आज ये लेसन कैसे पढ़ेंगे? कोई नंबर्स नहीं है, ना कोई प्लस है, ना कोई माइनस, बिल्कुल फ्री। खेल खेलना पसंद है ना? रोजाना एक तरह के खेल खेलते हो, क्योंकि अभी तो आपको स्कूल जाना नहीं है, आप बाद में सिर्फ एक घंटा ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो, शाम में उसका रिवीजन करते हो, उसके बाद खेलते हो। तो एक ही तरह का खेल रोज खेलते हो? नहीं, अलग अलग। हाँ ठीक है। तो आपको पता है कुछ आप ही की तरह बच्चे हैं, वो भी अलग अलग तरह के खेल रोजाना खेलते हैं। उन्होंने ना अपने खेल का एक टाइम टेबल बना दिया। जिस तरह से आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हो तो हर रोज अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं एक टाइम टेबल के मुताबिक, तो इन बच्चों ने भी क्या किया है, अपनी पढ़ाई के साथ अपने खेल का भी एक वक्त मुकर्रर कर लिया है कि कौन से दिन ये कौन सा खेल खेलेंगे। तो अब जो हम डेज ऑफ वीक पढ़ेंगे वो खेल के साथ, ठीक है? रेडी हो? ओके,
डू यू नो अबाउट दिस गेम? आपको पता है ये खेल कौन सा है? आप लोग स्कूल में खेलते थे और अभी भी बड़े बड़े मैदान में खेलते होंगे अपने साथियों के साथ. राइट, ये है खो खो. बिल्कुल सही. तो बच्चों ने तय किया है कि ये जो खो खो का खेल है, ये लोग हफ्ते के पहले दिन, दैट मीन मंडे के रोज ये खेल खेलेंगे. मंडे को उर्दू में पीर भी कहते हैं. ये है हफ्ते का पहला दिन. दिस इज द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, दैट इज कॉल्ड मंडे. एम ओ एन डी ए वाई, मंडे. मंडे स्पेलिंग याद रखनी है. और कौन सा खेल खेलने वाले बच्चे मंडे के रोज? खो खो. क्या खेलेंगे? खो खो. और ये कौन सा है? वेरी फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हफ्ते का सबसे पहला दिन. राइट? आप भी इस तरह से कुछ टाइम टेबल बनाते हो, यानी खेल खेलने का साथियों के साथ, कि नहीं आज तो ये खेल खेलिए, नेक्स्ट डे हम कोई और गेम खेलेंगे. और बच्चों आप ये देख रहे हो, ये बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? घर के अंदर या घर के बाहर? राइट, घर के बाहर. जो घर के बाहर खेले जाते हैं खेल, उसे कहते हैं आउटडोर गेम. ओके, तो ये मंडे जो है ये हफ्ते का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ द वीक है मंडे. आपको डे का नाम और वो कौन से नंबर पर आ रहा है ये आपको जहन में रखना है. ठीक है, अब देखते हैं आप लोग इस खेल को पहचानते हो या नहीं. कौन सा खेल है? जमीन पर कुछ बॉक्स बनाते हैं और फिर उसमें नंबर लिखते हैं. आप तो खेल खेल में भी रियाजी का इस्तेमाल करते हैं, रियाजी में जो नंबर आप सीखे हो उसका खेलते हो ना. नहीं, मैं फर्स्ट खेलने वाली हूँ, या मैं फर्स्ट खेलने वाला हूँ, मैं फर्स्ट बैटिंग करूंगा, या मैं फर्स्ट बॉलिंग करूंगा, इस तरह से. तो बच्चों ने ये तय किया है. हाँ, ये लंगड़ी का खेल है. तो इन बच्चों ने क्या तय किया है? दे डिसाइडेड टू प्ले दिस गेम ऑन द सेकेंड डे ऑफ द वीक. बच्चों ने तय कर लिया कि अब ये जो लंगड़ी का खेल है, ये हम हफ्ते के दूसरे दिन, दैट इज ट्यूजडे. ट्यूजडे को हम उर्दू में कहते हैं मंगल. इस दिन ये खेल वो खेलेंगे. दिस इज द सेकेंड डे ऑफ द वीक. ये हफ्ते का दूसरा दिन है. फर्स्ट डे वॉज यस मंडे एंड द सेकेंड इज ट्यूजडे. फर्स्ट डे बच्चों ने डिसाइड किए खो खो खेलेंगे, और सेकेंड डे दैट मीन्स ट्यूजडे दे हैड डिसाइडेड टू प्ले लंगड़ी. नाउ रीड द स्पेलिंग. टी यू ई एस डी ए वाई, ट्यूजडे. ट्यूजडे उर्दू में कहते हैं मंगल. क्या कहते हैं? हाँ, मंगल. राइट? ओके, मजा आ रहा है ना गेम देखने? अब आप लोग भी इस तरह से पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हो ना, उस तरह खेल का भी एक वक्त मुकर्र करना है और उसी वक्त में खेलना है. दिन भर नहीं खेलना है, क्योंकि पढ़ाई भी तो जरूरी है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट गेम बच्चों ने कौन सा चुने हैं खेलने के लिए. अरे वाह, ये कौन सा खेल है? बहुत इजी है. खुले मैदान में अक्सर लड़के बहुत खेलते हैं इसे. ये भी एक क्रिकेट की तरह ही है, कैच करने वाला. देखिए तीन बच्चे खड़े हैं कैच करने. कौन सा खेल है? हाँ, गिल्ली डंडा. राइट, इसे कहते हैं टिप कैट. ये है तीसरा खेल. तो तीसरा खेल मतलब हफ्ते के कौन से नंबर के दिन पर ये खेलने वाले बच्चे? राइट, ऑन थर्ड डे. तो थर्ड डे कौन सा होगा? मंडे फर्स्ट, ट्यूजडे सेकेंड. तो थर्ड डे इज
absolutely right. Wednesday. Wednesday is the third day of the week. ये हफ्ते का तीसरा दिन है. Wednesday को उर्दू में बुध भी कहते हैं. W E D N E S D A Y. Wednesday. Wednesday. This is the third day of the week. ये हफ्ते का तीसरा दिन है. देखो बच्चों ने तीसरे दिन के लिए अपना खेल चूज कर लिए हैं, राइट? वेनसडे को उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ, बुध. वेरी गुड, बिल्कुल सही. देखते हैं अब कौन सा खेल बच्चों ने चुना है. कौन सा खेल है? इसमें तो बड़ा मजा आता है. एक जगह ऐसी जगह छुप जाता है जहां कोई ढूंढ ही नहीं पाता. बिल्कुल सही, छुपा छुपी, जिसे कहते हैं हाइड एंड सीक. सो द चिल्ड्रन हैज डिसाइडेड टू प्ले दिस गेम ऑन द फोर्थ डे ऑफ द वीक. सो द फोर्थ डे इज थर्सडे. हफ्ते का चौथा दिन. फोर्थ डे कौन सा है? थर्सडे. थर्सडे को हम उर्दू में कहते हैं जुमेरात. क्या कहते हैं? जुमेरात. लेट्स रीड द स्पेलिंग. टी एच यू आर एस डी ए वाई. थर्सडे. थर्सडे. दिस इज द फोर्थ डे ऑफ द वीक. ये हफ्ते का चौथा दिन है. हफ्ते का फर्स्ट डे कौन सा था? यस, मंडे. एंड सेकेंड वॉज राइट ट्यूजडे. एंड आफ्टर ट्यूजडे विच डे विल कम? करेक्ट, वेडनेसडे. एंड आफ्टर वेडनेसडे? यस, दैट इज थर्सडे. तो अब हमने चार दिनों के नाम पढ़े. फोर, कितने डेज हो गए? फोर. Let's see which game they decided to play next. कौन सा खेल है? कुछ बच्चे हैं दरमियान में, देखिए इस तरह से पत्थर उन्होंने एक के ऊपर एक रखा है. अपनी ये बच्चा बॉल से फेंक कर मार रहा है. कौन सा खेल होगा? Yes, लगोरी. तो बच्चों ने डिसाइड किया है they will play this game on the fifth day of the week, that is Friday. Friday, जिसे हम उर्दू में कहते हैं जुमा. Friday. Friday. ये हफ्ते का पांचवा दिन है. तो बिफोर फ्राइडे विच डे कम? फ्राइडे से पहले कौन सा दिन आता है? Right, Thursday. Very good. And after Monday? Correct, Tuesday. मतलब आपको दिनों के नाम बहुत अच्छे से पता है और कौन सा दिन किसके बाद या किसके पहले आता है ये भी आपको अच्छे से मालूम है. Very good, बिल्कुल सही. अब Friday तक तो game decide हो गया. और ये सारे game कौन से थे बच्चों ने जो तय किए? हाँ, घर के बाहर खेले जाने वाले, जिसे कहते हैं आउटडोर गेम. घर के बाहर खेले जाने वाले. अब देखते हैं कोई डे अब बचा है? नहीं, खत्म ना, फिनिश. अच्छा, बचा है. ओके, देखते हैं फिर कौन सा गेम है. ये खेल तो आजकल मोबाइल फोन पर भी आप लोग तो बहुत खेलते हो. हाँ, लूडो. ये क्या है? लूडो. तो बच्चों ने तय किया है कि ये जो खेल है, ये खेल वो लोग हफ्ते के छठे दिन, द सिक्स डे ऑफ द वीक, दैट इज सैटरडे, उस दिन ये लोग खेलेंगे. सैटरडे को उर्दू में कहते हैं शनिचर. ये हफ्ते का छठा दिन है, सिक्स.
और आपको पता है लोगों ने ये सैटरडे हफ्ते के छठे दिन ही क्यों खेलना तय किया है? क्योंकि काफी लोग जो है काम से सैटरडे के रोज हाफ डे से, जिस तरह हमारी स्कूल जब थी तब हम लोगों को हफ्ते के एक दिन हाफ डे की छुट्टी मिलती थी, आधा दिन स्कूल रहता था, तो उसी तरह इनके जो ये भाई है बहने हैं ये लोग आधे दिन से घर वापस आ जाते हैं। तो लोगों ने तय किया है कि ये जो सैटरडे का दिन है इस दिन हम अपने घर वालों के साथ घर के अंदर बैठकर ये लूडो का खेल खेलेंगे। ठीक है, ये था सैटरडे, एस ए टी यू आर डी ए वाई, सैटरडे, सैटरडे शनिचर। ये हफ्ते का कौन से नंबर वाला दिन है? बिल्कुल सही, छठा दिन, सिक्स नंबर वाला, जिस तरह आपके रोल नंबर होते थे ना स्कूल में जब आप थे अटेंडेंस के लिए, उसी तरह ये हफ्ते के दिनों के नंबर्स हैं। अब सैटरडे के बाद कौन सा दिन है जिसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते थे जब स्कूल खुली थी उस वक्त, खास तौर पे कि ये दिन कब आने वाला है, कब आने वाला है? जब आ जाता था तो खुश हो जाते थे, लेकिन जैसे ही उसके जाने का वक्त होता था थोड़े थोड़े उदास हो जाते थे। उस दिन के लिए भी इन लोगों ने खेल तय किया है, कौन सा है? आप लोग भी घर में खेलते होंगे ना अपने घर वालों के साथ, राइट? दिस इज कैरम। और कौन कौन खेल रहा है देखिए, हाँ पूरी फैमिली, पूरे घर वाले, अम्मी अब्बा भाई बहन सब मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। कौन से डे खेल रहे होंगे ये खेल? इस दिन सबकी छुट्टी होती, सभी की छुट्टी होती है, राइट? संडे, संडे, दिस इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक, ये हफ्ते का सातवां दिन है, संडे, जिसे उर्दू में कहते हैं इतवार। स्पेलिंग रीड करेंगे, एस यू एन डी ए वाई, संडे, संडे। आपको पता है संडे जो वर्ड है इसमें दो और वर्ड, दो और अल्फाज छुपे हुए, देखना है? ठीक है, देखिए स्टार्टिंग के तीन लेटर्स, एस यू एन, सन, सन का मतलब होता है, क्या होता है सन का मतलब? सूरज। डी ए वाई, डे, डे का मतलब दिन, है ना? दो अलग अलग अल्फाज, तरह से आप लोग घर पर भी एक खेल खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसी कोई स्पेलिंग ढूंढना है और क्या करना है, स्टार्टिंग वाले जो लेटर्स उस पर हाथ रख दो और फिर अपने फ्रेंड को बोलो देखो जादू अब पढ़कर बताओ, और फिर अपने पॉइंट्स लिखते जाओ, देखो कितना मजा आएगा। बच्चों ने क्या तय किया कि संडे हफ्ते सातवें दिन, जिस दिन सबकी छुट्टी होती है, उस दिन ये लोग घर में बैठ कर कैरम खेलेंगे, क्योंकि जो वबा है वो अब तक खत्म नहीं हुई है और इसकी वजह से बाहर सैर व तफरी के लिए जाना, घूमने फिरने जाना थोड़ा मुश्किल है, है ना? हमें उससे एहतियात करनी है, इसीलिए बच्चों ने क्या तय किया कि वो घर में अपने फैमिली के साथ कैरम खेलेंगे। कुछ डे इन्होंने आउटडोर गेम खेले और कुछ डे इंडोर गेम। तो टिल हियर वी हैव लर्न द डेज ऑफ द वीक, अब तक हमने डेज ऑफ द वीक देखे कितने हैं, आपने काउंट किए ना इसके साथ, राइट? सेवन डेज। फर्स्ट डे वॉज, पहला दिन कौन सा था, राइट, मंडे। और लास्ट डे कौन सा है जो अभी हमने पढ़े सेवेंथ नंबर पर? बिल्कुल सही, संडे। तो अब अगर हमें अपने जहन में इसे देर तक महफूज रखना है इन मालूमात को, तो हमें क्या करना होगा इसका? रिवीजन। तो लेट्स डू सम रिवीजन, बहुत इजी है। अभी कुछ सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाले हैं, आपको उसके आंसर देने हैं। ये रहा क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन,
Here is the first. Which game do children play on Tuesday? मंगल के रोज बच्चे कौन सा खेल खेलने वाले थे? क्या तय किए थे उन लोगों ने? क्या खेलेंगे वो लोग ट्यूसडे को? कौन सा खेल? उसमें आप लोग जमीन पर कुछ बॉक्स बनाकर है ना नंबर लिखते हो और फिर एक पैर को उठाकर एक पैर से कुदकते हुए जाते हो, जंप करते हुए. वेरी गुड. लंगड़ी. They decided to play Langri on Tuesday. Very good. Which day they play hide and seek? छुपा छुपी का खेल वो लोग किस दिन खेलने वाले हैं? बताइए किस दिन खेलने वाले हैं? ये हफ्ते का चौथा दिन है. ये जो डे है ना जिस दिन ये लोग हाइड एंड सीख खेलेंगे, ये हफ्ते के डेज में फोर्थ नंबर पे आता है. कौन सा डे होगा? वेरी गुड. थर्सडे. थर्सडे को इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये लोग हाइड एंड सीख खेलने वाले हैं और थर्सडे हफ्ते का फोर्थ डे, चौथा दिन है. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच गेम डू चिल्ड्रन प्ले ऑन संडे? संडे के दिन, इतवार के दिन ये लोग कौन सा खेल खेलने वाले? देखिए इतवार के दिन तो सबकी छुट्टी है, तो इन लोगों ने ऐसा खेल तय किए हैं जिस दिन ये अपने घर वालों के साथ बैठकर खेलेंगे. कौन सा खेल? और ये हफ्ते का आखिरी दिन. ओके, देखते हैं आंसर राइट है या रॉन्ग. वेरी गुड. कैरम. बिल्कुल सही. Which day they play carrom? Carrom कौन से दिन खेलने वाले? बताइए अभी. Carrom कौन से दिन खेलेंगे बच्चे? हाँ बिल्कुल, संडे. वेरी गुड. यानी आप लोगों को डेज और उस डे बच्चे कौन सा खेल खेलने वाले ये अच्छी तरह से याद हो गया, राइट? सो दिस इज द टाइम फॉर सम एक्सरसाइज. अब कुछ एक्सरसाइज, कुछ सवाल हम हल करेंगे. रेडी हो? ओके. नेम द डे विच इज बिटवीन. दरमियान में आने वाले दिन के नाम आपको बताने हैं. अब कुछ दिनों के नाम आएंगे, उन दो दिनों के दरमियान में कौन सा डे आने वाला है ये आपको बताना है. संडे, ट्यूसडे. Which day will come here? इस दरमियान में जो जगह खाली है यहाँ पर फिर कौन से डे का नाम आएगा? संडे, ट्यूजडे. इन दो दिनों के दरमियान कौन सा डे आता है बताइए. राइट, मंडे. वेरी गुड. बिल्कुल सही. वेरी गुड. वेडनेसडे, फ्राइडे. Which day will come here? यहाँ पर कौन सा डे आएगा? वेडनेसडे, फ्राइडे. कौन सा डे? राइट, थर्सडे. वेरी गुड. बिल्कुल सही. नाउ द थर्ड, ट्यूजडे एंड थर्सडे. विच डे विल कम हियर? यहाँ पर कौन सा डे आएगा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इजी है. ओके, वेडनेसडे. बिल्कुल सही. नाउ द लास्ट वन, फ्राइडे एंड संडे. अब यहाँ कौन सा डे आने वाला है? वेरी गुड, सैटरडे. बिल्कुल सही. सो यू हैव लर्न द डेज ऑफ द वीक एंड द नंबर ऑन विच दे कम. हफ्ते के दिनों के नाम, लेकिन वो किस नंबर पर आते हैं और कौन सा दिन किस दिन के बाद या किस दिन के दरमियान आता है ये भी आपने अच्छे से सीख लिए, राइट? तो आपने ये तमाम बातें अच्छे से आंसर दिए, उसके लिए थैंक यू. अब टर्न है होमवर्क की.
होमवर्क करना है ना? हाँ, लेकिन होमवर्क से पहले आप लोग सुबह में तो क्लास अटेंड करते हो, लेकिन क्या शाम में घर पर पढ़ाई के लिए बैठते हो रिवाइज करने जो मिस ने पढ़ाए? वेरी गुड। लेकिन जो नहीं बैठते हैं तो उन्हें भी घर पर शाम के वक्त मिस ने जो कुछ पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है, ठीक है? जिस तरह अभी हमने देखे कि बच्चों ने किस तरह अपने खेल का टाइम टेबल बनाए थे, कौन से डे कौन सा खेल खेलेंगे, तो उसी तरह हमें भी अपना टाइम टेबल बनाना है और वक्त के मुताबिक अपने कामों को अंजाम देना है, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है, कुछ हासिल करना है, तो वक्त की पाबंदी करना जरूरी है। जैसे अभी देखिए लॉकडाउन का जो मसला चल रहा है, हमारी स्कूलें कितने महीनों से बंद है, फिर भी वो सुबह सवेरे स्कूल बंद है, लेकिन टीचर्स ने क्या किया, आपकी स्कूल आपके घर पर लेकर आ गए ना मोबाइल के जरिए, और क्या हो गया, जो स्कूल का 6 घंटे का वक्त था अब वो 1 घंटे में समेट कर रह गया, 1 ही घंटा पढ़ाई हो रही है। लेकिन इस 1 घंटे की पढ़ाई को भी आपको क्या करना है, घर पर उसे रिवाइज करना है ताकि आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, और जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ना लिखना जरूरी है और वक्त की पाबंदी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वक्त पर काम करोगे तो आप कामयाबी को जल्द से जल्द हासिल करोगे। अब देते हैं आपका होमवर्क। कंप्लीट द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 75 फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक। आपको अपनी रियाजी की दलसी किताब के सफा नंबर 75 पर जो मश्क है उसे हल करनी है, ठीक है? बच्चों, आपने आज का लेसन बहुत अच्छे से सुने, अच्छे से जवाब दिए, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन अब जवाब दे दिए, हमने मश्क हल कर लिए, अब वक्त है हमारे क्विज का, ठीक है? देखिए चैट बॉक्स में आपको एक क्विज की लिंक आ गई होगी। आपको क्या करना है, ओपन करना है। चलिए जल्दी से लिंक को ओपन कीजिए मेरे साथ। देखिए ये लिंक ओपन हो गई। यहाँ फर्स्ट आपको यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ आपको लिखना है नेम ऑफ द स्कूल, अपनी स्कूल का नाम। उसके बाद ये है डिस्ट्रिक्ट, यहाँ आपको ये एरो का बटन है, इसे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ बहुत से डिस्ट्रिक्ट के नाम है। तो हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, मुंबई सबर्बन, और जो बांद्रा से आगे की तरफ है वो मुंबई सिटी। देखिए बांद्रा तो यहाँ पर बांद्रा नहीं बेटा, आपको मुंबई सिटी क्लिक करना है, क्योंकि काफी बच्चे बांद्रा को ये भंडारा जो लिखा है वो सिलेक्ट करते हैं, तो वो रॉन्ग है, ठीक है? जो बच्चे भंडारा जिले से हैं वो उसे लिखेंगे, लेकिन जो बांद्रा वाले हैं बांद्रा वो मुंबई सिटी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? अभी मिस मुंबई सबर्बन से है तो मिस ने मुंबई सबर्बन चूज किए। अब है आपका पहला सवाल, हाउ मैनी डेज अ वीक हैज, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 या 8? सही जवाब पर आपको क्लिक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ऑन सैटरडे विच गेम दे प्ले, शनिचर के दिन बच्चे कौन सा खेल खेलने वाले हैं, लूडो या क्रिकेट, कौन सा खेल खेलेंगे? सही जवाब पर आपको क्लिक करना है। सवाल नंबर 3, विच डे वी गेट हॉलीडे, हमें किस दिन छुट्टी मिलती है, मंडे यानी पीस, संडे, इतवार, किस दिन हमारी छुट्टी होती है,
सही जवाब पर सिर्फ क्लिक कर दीजिए. विच डे दे प्ले कैरम विथ फैमिली, कौन से दिन बच्चे अपने घर वालों के साथ कैरम खेलते हैं? मंडे तीज या फिर संडे इतवार, कौन से दिन? सवाल नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक. एम ओ एन डी डैश एन वाई. तो यहाँ पर इस स्पेलिंग को कंप्लीट करने के लिए कौन सा लेटर यूज होगा, ए या ई? चलिए आंसर को सिलेक्ट कीजिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एफ आर डैश डी ए वाई. अब इस स्पेलिंग को कंप्लीट करने के लिए कौन सा लेटर यूज करना है, ओ या आई? नंबर 7, डब्ल्यू ई डैश एन ई एस डी ए वाई. अब बताइए इस डैश में कौन सा लेटर आएगा, डी या जी? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मंडे डैश वेडनेसडे. बिटवीन दरमियान में कौन सा डे आएगा, मंडे डैश वेडनेसडे, ट्यूजडे या थर्सडे, कौन सा डे? चलिए सही आंसर पर टिक कर दीजिए. अब है नंबर 9, फ्राइडे डैश संडे. फ्राइडे और संडे के दरमियान में कौन सा डे आएगा, ट्यूजडे या सैटरडे? और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, थर्सडे डैश सैटरडे. फ्राइडे या सैटरडे, कौन सा डे? जब आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाए सारे, तो आप क्या करेंगे, पूरे सवाल को एक मर्तबा चेक करेंगे कि आपने सही आंसर पर क्लिक करे हैं या नहीं, और फिर लास्ट में ये जो रेड बॉक्स में सबमिट का बटन है उसे क्लिक करेंगे. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप तमाम को आज का लेसन बखूबी समझ आया होगा, और आप इस लेसन को दोबारा समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आज का लेसन दोबारा रिवाइज करेंगे. और सिर्फ आज का ही नहीं, पिछले जितने लेसन हुए हैं हर सब्जेक्ट के, उन तमाम को अच्छे से रिवाइज करेंगे और उनकी घर पर प्रैक्टिस करेंगे. इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ बच्चों.